ये गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है रिव्यू ऑफ वर्जन 0.61। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउंड, बैटरी, कनेक्टेड डिवाइसेस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, कैमरा टू ईपीए, डीआरएम इन्फो और आई वुड से वाइड वाइन सर्टिफिकेशन, देन बेंचमार्किंग एंड लास्ट में हम रैम मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर अपडेट में कुछ मेजर चीज़ें नहीं पुश डाउन की गई थी आसुस की तरफ से, एक्सेप्ट दे सिक्योरिटी पैच। तो इससे प्रीवियस वर्जन पे जो सिक्योरिटी पैच था वो था 5 दिसंबर 2019 का, और इस पर्टिकुलर अपडेट में जो सिक्योरिटी पैच था वो था 5 फरवरी 2020 का। तो चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिक्योरिटी में हमारे पास पिन, पैटर्न, स्वाइप, पासवर्ड ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वो भी चल रही है, बट अगर हम कंपेयर करें वर्जन 0.59 और 0.60 के कंपैरेटिवली तो ये समवट लाइक लैग कर रही है उस चीज़ में। बट एज़ कम्पेयर टू वर्जन 4.07 जो कि एंड्रॉयड 10 बीटा था, उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर हुई है। तो चलिए उसका भी आपको डेमो दे देता हूँ एक बार फिर से, वन मोर टाइम। तो आप देखेंगे कि अपने एंड में भी यार 1 to 2 मिली सेकेंड का लैग है एज़ कम्पेयर टू अपनी प्रीवियस वर्जन जो 0.59 एंड 0.60 थी। इसके अलावा फेस अनलॉकिंग चल रही है जो मिसिंग थी कुछ डिवाइसेस पे 4.07 वर्जन के बाद। तो चलिए उसका भी डेमो दे देता हूँ आपको एक बार फिर, वन मोर टाइम। ऑल इन ऑल अगेन इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत लेटेंसी है, होपफुली आसुस इसे भी रिजॉल्व कर दें आने वाली अपडेट्स में। तो इसके बाद बात करते हैं साउंड की। अगर हम कंपेयर करें वर्जन 0.60 और वर्जन 0.59 के कंपैरेटिवली तो मुझे कोई इसमें चेंज नहीं दिखा, ना लाइक बढ़िया ना कुछ घटिया। बट एज़ कम्पेयर टू 4.07 अगेन आई थिंक थोड़ा सा अच्छी है वॉइस क्वालिटी, बट अगेन ये अगेन वेरी करती है वेरियंट टू वेरियंट, लाइक 3 GB वेरियंट, 4 GB वेरियंट, 6 GB एंड सो ऑन। मेरे एंड पे 6 GB है, तो ये जो मैंने एनालाइज़ किया, मे बी आप कुछ और एनालाइज करें तो आप अपने कमेंट नीचे आप अपना भी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि और भी यूज़र्स को ये यूज़फुल या बेनिफिशियल हो। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद बैटरी ड्रेनेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जब मैंने इसे इनिशियली स्टार्ट किया तो फर्स्ट टू डे जो बैटरी ड्रेनेज थी वो नियरली अबाउट थी 10 to 11%, जिस लाइक फॉर 8 to 10 आवर्स। बट आफ्टर टू डेज और आई वुड से 2 to 3 डेज ये जो बैटरी ड्रेनेज थी ये थोड़ी सी डिक्रीज होगी और अब ये नियरली अबाउट 5 to 7% अगेन हुई 8 to 10 आवर्स में। तो अगेन मैं आपको एक तरह से सजेशन ही दूंगा कि अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो 2 to 3 डेज एटलीस्ट वेट कीजिए, ताकि उसके बाद आपको ज़रूर इस पर्टिकुलर बैटरी ड्रेनेज प्रोसेस में कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकेंड डे। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की। अगर आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हो तो कभी कभार तो ये बहुत अच्छा नॉर्मली बिहेव करती है, बट कभी कभार उसी केस में आपकी आप देखेंगे कंजप्शन भी ज़्यादा हो रही है, ड्रेनेज भी ज़्यादा हो रही है। और ये मैंने ये चीज़ कम से कम 3 से 4 दिन एनालाइज़ की है, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स इससे सहमत होंगे, बट अगेन आप अपना फीडबैक दे सकते हैं इसके अलावा। अगेन अब बात करते हैं वाइल्ड गेमिंग में। तो जब मैंने इसे एनालाइज़ किया प्लेइंग पबजी मोबाइल या कॉल ऑफ ड्यूटी एंड सो ऑन, तो पबजी मोबाइल के टाइम पे मैंने 1 घंटे का गेम प्ले किया तो उसमें इसकी जो कंजप्शन थी वो 9 to 10% थी। तो मैं आपको उसकी गेम सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ कि जिस गेम सेटिंग्स पे मैं प्ले कर रहा था विथ HD ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट एंड एज़ कम्पेयर टू पबजी मोबाइल, जब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के एनालाइज़ की मैंने 1 घंटे के गेम प्ले के लिए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में इसने जो बैटरी कंज्यूम की वो थी नियरली अबाउट 11 to 12%। अगेन आपको उसका भी गेम सेटिंग्स दिखा देता हूँ या ग्राफिक सेटिंग्स। तो ग्राफिक सेटिंग्स वर मीडियम एंड फ्रेम रेट वॉज हाई। सो अगेन आप भी अपने एंड पर देख सकते हैं कि ये जो फिगर्स मैंने बताई हैं वो ऑलमोस्ट अगेन ये वेरिएंट टू वेरिएंट चेंज कर सकती है, 3 GB 4 GB 6 GB वेरिएंट में, मेरे एंड पे ये 6 GB है। इसके अलावा बात करते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस में। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र हो या ब्लूटूथ ऑडियो। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग वो भी एब्सोल्युटली वर्क कर रही है आउट ऑफ द बॉक्स, कोई चेंजेस नहीं है, कोई बग नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें भी। अब बात करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की। तो ड्यूल वोल्टेज अवेलेबल, इसके अलावा वो वाईफाई या आई वुड से वाईफाई कॉलिंग जियो सिम के लिए अवेलेबल है, बट एयरटेल के लिए मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की बट मुझे अवेलेबल नहीं मिली। अगर आपके एंड पे मिल रही है तो आप इसका फीडबैक हमें नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि ये और भी यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल हो। और विद इन अ स्पैन ऑफ जो मैंने 5 to 6 डेज इस पर्टिकुलर फ़ोन को यूज़ किया आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस अपडेट,
मुझे कुछ माइनर ही प्रॉब्लम फेस की है इंटरनेट कनेक्टिविटी में, वो भी एयरटेल के सिम पे राधा देन जियो। तो आई वुड अगेन से ये कि भी नेग्लिजिबल ही था, एंड ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, चाहे वो कॉलिंग हो या SMS हो वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स कुछ कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, और जो भी लाइक सेटिंग्स प्रोवाइड की हैं। बट मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिफाई की है, वो भी सिर्फ वाईफाई कनेक्शन के या आइकन के बेसिस पे। तो कई बार क्या होता था कि मेरा वाईफाई ऑन होता था पर यहाँ पर वो टर्न्ड ऑफ दिखाता था। तो मैंने ये नियरली अबाउट 7 to 8 टाइम फेस किया, और ईच एंड एवरी टाइम मुझे अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ता था और उसके बाद ही वो चल पाता था। अगर आप भी ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि ये और भी यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो अब बात करते हैं कैमरा टू एपीआई की। सभी को पता है कि विद वर्जन 0.61 कैमरा टू एपीआई आसुस की तरफ से पुश ऑन नहीं की गई है, अगेन वो लेगेसी पे ही है। इसके अलावा DRM इन्फो या आई वुड से वाइड बैंड सर्टिफिकेशन अगेन L3 पे ही है। सो जो जो भी यूज़र्स 4.07 पे अपडेट कर चुके थे जब उन्होंने इसके ऊपर दोबारा से अपडेट की है, तो उनका जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो L3 ही दिखा रहा है रादर देन L1। तो होपफुली आसुस इसे रिजॉल्व करे आने वाली अपडेट्स में। इसके अलावा बेंचमार्किंग्स, तो यूजली इससे पहले मैं जब भी कोई वीडियो बनाता था उसमें मैं बेंचमार्किंग में एंटीटू और गीक बेंच 5 या 4 दोनों इंक्लूड करता था। बट अब एंटीटू मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ऐप गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई है, पुल्ड ऑफ कर दी गई है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी वेबसाइट पर जाके उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँ वगैरह। तो जब भी वो दोबारा से प्ले स्टोर पर वापसी आएगी तो हम फिर से उसे इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे अपनी वीडियोज़ में। तो ये है सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर। 275 है सिंगल कोर स्कोर, 1232 है मल्टी कोर स्कोर। इसके अलावा कंप्यूट सेक्शन में दो डिफरेंट API, एक है वल्कन API, एक है ओपन CL API। यूजिंग वल्कन API जो स्कोर है वो है 267, यूजिंग ओपन CL जो वो स्कोर है वो है 430। तो चलिए बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो में ही था तो मैंने पबजी खोला था, तो अगेन मैंने रैम से वही पबजी को दोबारा से लोड किया। तो रादर देन ये मेन मेमोरी से स्टार्ट हुई, ये उसी सेक्शन पे थी जहाँ पर मैं आपको शो कर रहा था कि गेम सेटिंग। तो ऑल इन ऑल रैम मैनेजमेंट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए इसके लिए एक बार हम कॉल ऑफ ड्यूटी भी ओपन कर लेते हैं। तो वो भी दोबारा से स्टार्ट नहीं हुई, वो भी लॉग इन सेक्शन या आई वुड से होम स्क्रीन जहाँ पर मैं उसे छोड़ के गया था वहीं से हुई है वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी दो तीन और ऐप चल रही हैं बैकग्राउंड में, उनको भी ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि कैमरा टू एपी, अगेन वो भी वहाँ से हुई है रादर देन रीस्टार्ट होने से, वाइड वन सर्टिफिकेशन भी एंड सो ऑन। सो ऑल इन ऑल रैम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रिव्यू में कुछ भूल चुके हैं तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसका फीडबैक भी आपको दे सकें कमेंट सेक्शन में। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज दिस विल श्योरली मोटिवेट अस and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.